लालच बुरी बला। दोस्तों, हमारे घर में छोटे से लेके बड़े सबको हमारे बड़े बुजुर्ग यही बात समझाते हैं कि लालच एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे को बर्बाद कर देती है, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को मुसीबत में डाल देती है। पंजाब की डाकू हसीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 रुपए के फ्रूटी के लालच में पंजाब की कुख्यात डाकू हसीना पुलिस की हत्थे चढ़ गई। जहाँ पंजाब के लुधियाना में 10 जून को 8.39 करोड़ रुपए की बड़ी लूट हुई थी। घटना के मास्टरमाइंड मनदीप कौर नाम बताया जा रहा था। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब दर्शन के बाद मामले के मास्टरमाइंड मनदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह यहां तीर्थ यात्रियों के बीच भीड़ में घुल मिल गई थी, लेकिन 10 रुपए के ड्रिंक के चक्कर में मनदीप कौर बुरी तरह फंस गई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। साथ ही उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब जाते समय मनदीप कौर और उसके पति जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लूट की वारदात को सफलता से अंजाम देने के बाद हेमकुंड साहिब ऊपर वाले को धन्यवाद देने जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से नकदी 21 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने खास प्लान बनाया था। जी हां, बता दें कि पुलिस लुधियाना की लूट वाले मामले में अब तक 12 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि मनदीप कौर अपने पति जसविंदर सिंह के साथ नेपाल भागने का प्लान बना चुके हैं। ये लोग नेपाल जाने से पहले हरिद्वार, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकले थे। पुलिस को यह पता लग चुका था कि दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, लेकिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में उन्हें पहचान कर गिरफ्तार करना बेहद मुश्किल था। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान तैयार किया और तीर्थ यात्रियों को मुफ्त ड्रिंक बांटने लगे और 10 रुपए की ये ड्रिंक मुफ्त पीने के चक्कर में ही डाकू हसीना पुलिस के जाल में फंस गई। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य श्रद्धालुओं की तरह ही डाकू हसीना और उसके पति भी पुलिस के ड्रिंक स्टॉल पर पहुंचे। उन्होंने अपने चेहरों को ढक रखा था, मगर जब ड्रिंक पीने की बारी आई तो चेहरा जैसे ही दिखा, चेहरे से जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो उनका भेद खुल गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें हेमकुंड साहिब में सिर झुकाने का मौका दिया और इसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। बता दें कि ये जो डाकू हसीना थी, ये अमीर होने का ख्वाब देखती थी। पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था, चलो रानी मधुमक्खी को पकड़ते हैं। जी हाँ, बता दें कि मनदीप कौर 8.39 करोड़ लूट के मामले में आरोपी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि डाकू हसीना अमीर होना चाहती थी और इसलिए अपराध की दुनिया में उतर गई थी, लेकिन उसका मुफ्त का लालच ही उसे भारी पड़ा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।